फार्मास्यूटिक्स नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एग्जीक्यूशन है क्या। एग्जीक्यूशन जो है हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव करना है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। एक हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसको हीट करके उसके अंदर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो रिमूवल का मेथड एग्जीक्यूशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय हीट एंड मेक देम एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड कहते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हों। हाइड्रेटेड ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, और एनहाइड्रस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर को कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, वो क्या कहलाता है, एनहाइड्रस कहलाता है। हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करके उसको एनहाइड्रस बना देना। मटीरियल ऑब्टेंड आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड एग्जीक्यूटेड मटीरियल। अब जो पानी को रिमूव करने के बाद जो सब्सटेंस बचेगा उसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड सब्सटेंस। अब इसकी एग्जांपल्स हैं कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं जिनको हम एग्जीक्यूशन के ज़रिए जिसके अंदर से वाटर ऑफ मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, और भी एग्जांपल्स हैं इसकी। अब मेथड क्या है, अगर हम लैब में एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो जिस सब्सटेंस को हमने एग्जीक्यूट करना है, जिस सब्सटेंस के अंदर से हमने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं उसको पहले वे करेंगे, यानी कि उसका पहले वेट करेंगे। वज़न करने के बाद हम उसको टेयर डिश के अंदर मुंतकिल करेंगे। टेयर डिश ऐसी डिश होती है जिसके अंदर पहले किसी और चीज़ की कोटिंग हुई हुई हो। हम उस डिश के अंदर उस सब्सटेंस को वेट करके रख देंगे, फिर उस डिश को वाटर बाथ के ऊपर हीट करना है और कंटिन्यूस स्टिरिंग कहते हैं मुसलसल उसको हिलाते रहना है, एंड द लॉस इन वेट हैज़ टेकन प्लेस। फिर उसके अंदर से एक जो टेम्परेचर उसका पूरा हो जाएगा तो उसके अंदर से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स के निकलने की वजह से उस सब्सटेंस का जो वेट है वो कम हो जाएगा। अब जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम कॉपर सल्फेट को एग्जीक्यूट करते हैं CuSO4.5H2O, अगर हम कॉपर सल्फेट को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अंदर दो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव होंगे, बाकी तीन वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। अब इसी तरह अगर हम कॉपर सल्फेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करेंगे तो मजीद जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर CuSO4.H2O, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। इसी तरह फिर अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिमूव करते हैं तो जो आखिरी वाटर मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव हो जाएगा, सिर्फ CuSO4 कॉपर सल्फेट बचेगा। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटेड फॉर्म। नेक्स्ट जो एग्जांपल है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट में पानी के 7 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जब हम फेरस सल्फेट को वाटर बाथ के ऊपर हीट करते हैं तो इसके अंदर से जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो रिमूव हो जाएंगे। फिर जब आखिरी जो वाटर का मॉलिक्यूल है FeSO4.H2O बचेगा, अगर हम आखिरी मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए इसको हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन हो जाती है, इसीलिए FeSO4.H2O इसी को ही हम फेरस सल्फेट की एग्जीक्यूटेड फॉर्म बोलते हैं। आखिरी जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको रिमूव नहीं करना, अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो जाएगा।
अब इसकी स्टोरेज जितने भी एग्जुकेटेड जो सब्सटेंसेस हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट में से, एटमॉस्फेयर में से जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और ख़ुद को हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इनको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए, ऐसा कंटेनर जो कि अच्छी तरह से बंद हो, जिसके अंदर नमी जो है, मॉइस्चर है, वो दाखिल ना हो सके। अब इस प्रोसेस की एप्लीकेशन, हम ये प्रोसेस इस्तेमाल क्यों करते हैं? ड्रग्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ड्रग्स के अंदर किसी भी किस्म की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, और दवाइयों का, मेडिसिन का जो बल्क वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए। जब किसी चीज़ के अंदर वाटर मौजूद होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम वाटर को रिमूव कर लेते हैं तो उसका जो बल्क वेट है वो कम हो जाएगा। और टू ऑब्टेन फाइन पाउडर्स, अब ऐसे सब्सटेंस जिसका हमने पाउडर बनाना है और उसके अंदर नमी मौजूद है तो हम उसका पाउडर नहीं बना सकते, और लेकिन जो एग्जीक्यूटेड फॉर्म होगी उस सब्सटेंस की, उसके अंदर वाटर मौजूद नहीं होगा, हम आसानी से उसको पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं।